अपना रूप दिखा देगा। तारीखी के तूफानों में अपना रूप दिखा देगा। Electric drop of rainwater. This is storing this tank and falls on this tank. The dam flow through the turbine water and the turbine moves, becoming mechanical energy. The mechanical energy goes through the generator and the electric generator converts the mechanical energy into electric energy by the magnetic induction. So this is electric generator. By this electricity can we can store and use in houses and industry. Electricity is generated. सही है? अंदर कौन सा है? अंदर ये ग्राउंड वाले भाई। सर ये मैं उनको दिखाना चाहता हूँ सिस्टम दिखाना चाहता हूँ ना कि वोट वोट किस लिए हमारे हाथ उठने से लोग के नहीं चाहे लेकिन एक धमाका हुआ चाहे एक्सटेंशन और उसकी वजह से हमारा यूनिवर्स गर्म थी और उस टाइम पर एक जानदार पैदा हुआ उसका नाम था आर के बैक्टीरिया उस टाइम पर पैदा हुआ। ये क्यों? क्योंकि उसको रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी। उस टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड माहौल में बहुत ज़्यादा थी, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम थी, इस वजह से पैदा हो गया। उसने ऑक्सीजन को एक्सहेल करना शुरू किया और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करना शुरू किया। इसकी वजह से क्या हुआ? टेम्परेचर लो होने की वजह से ये पत्थर ये फर्टाइल सोइल में तब्दील हो गए। और ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ये था कि जो प्रोड्यूसर यहाँ पे पैदा होने वाले थे प्लांट, ये पत्थरों पर उग नहीं सकते, इस वजह से फर्टाइल लैंड प्रोड्यूस हो। और उसके बाद ये जो आपके आर्के बैक्टीरिया है ये मजीद दो और जानवरों में डिवाइड हो गए। एक बैक्टीरिया वो जितने साइनोबैक्टीरिया है, ये साइनोबैक्टीरिया अभी वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ तो क्या हुआ, उन्होंने जो ऑक्सीजन रिलीज की, हाइड्रोजन था कैसे बना है, ग्रेविटी की वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल और वो उसके गिर्द रिवॉल्व करने लगा और हाइड्रोजन बन गए। पर उस टाइम पे गर्म टेम्परेचर के टाइम पे पानी क्यों नहीं बना, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, हमारे वक्त के साथ साथ जैसे हालात बदलते गए टेम्परेचर कम होता गया तो वाटर रिवॉल्व हो गया। वाटर यहाँ पर जब रिवॉल्व हुआ तो साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन अल्जी भी कहा जाता है वो प्रोड्यूस हुए। और उसने चाहा, जब वो प्रोड्यूस हुई और उसने चाहा कि मैं ज़मीन पे रहूं तो पानी के सामने ही रहने लगी, तो कुछ प्लांट्स का जन्म हुआ, पैदा हुए जैसे ब्रियोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, और ये पैदा हुए। और इसके बाद जो बैक्टीरिया थे हमारे जिनको पॉइनर ऑफ ऑल द सेल्स कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया और यहाँ पे बैक्टीरिया थे उनसे जानदार बन गए। कैसे अब देखें एवोल्यूशन हुई कि गर्म उबलती हुई ज़मीन से कैसे ठंडा खुशगवार माहौल पैदा हो गए, जानदार बन गए। पर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे जानदारों में हम बनाता गया, टेक्नोलॉजी बच गई, कितने खूबसूरत माल को उन्होंने बिगाड़ दिया। ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ अर्थ अलोंग विद लाइफ। हैदराबाद हमने जो प्रोजेक्ट उड़ाए ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम बनाया जो इलेक्शन का जो ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम है वो सीलिंग में भी कम्प्लीट है। हमारे यहाँ आपको दो पैनल दिए जाएंगे, एक होगा एडमिन पैनल, दूसरा होगा वोटर पैनल। एडमिन पैनल इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके कंट्रोल में होगा,
और जो वोटर पैनल है रिटर्निंग ऑफिसर के कंट्रोल में होगा। जैसे ही हम यूज़र में क्लिक करते हैं, यूज़र नेम पीएसए डाल दिया और पासवर्ड कोई भी डाल दिया, जैसे ही किसी भी सिटी का स्पेसिफिक जो है मीन्स इलेक्शन बनाते हैं तो हमसे कुछ इस पर डिटेल्स पूछेगा, ईयर ऑफ इलेक्शन, इंटर द ब्रांच कोड और मैक्सिमम वोटर्स और रजिस्टर्ड पार्टीज कितनी है। उसके बाद जैसे ही हमने इसे सिस्टम बना दिया उसके बाद हम सिस्टम से लॉग आउट हो जाएंगे और ये सिस्टम चला जाएगा रिटर्निंग ऑफिसर के पास, जिसको हम आरओबी कहते हैं। और जैसे ही आप देख सकते हैं कि हम जब भी सिविलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो हम चीज़ों को छोटे से छोटा करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इधर हम किसी भी पोलिंग में जाते हैं तो हमारे सीएनएससी कार्ड पर डेटा इशू चेक की जाती है, डेटा बर्थ चेक की जाती है और मीन्स एज चेक की जाती है कि कितनी जो है केपेबल है। और फॉर एग्जाम्पल की तरह मैम सीएनएससी भी जो होता है, पहले प्रोविजनल कोड होता है, उसके बाद डिविजनल कोड होता है, तालका कोड होता है, उसके बाद यूसी कोड होता है, यूसी के बाद फैमिली कोड होता है। मैम उसी तरह ही हमने जो जो यूज़र आईडी बनाई है वो इलेक्शन के किसी भी सिटी के मुताबिक बनाई है। जैसे हम किसी भी पार्टी को वोट देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इतनी प्राइवेसी दी गई है कि आपको जो मीन प्रोग्रामर है वो भी नहीं देख सकता कि आपने किसको वोट दिया, वो एक स्टार के सिंबल में आपको कोड दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल की तरह हमने जैसे ही किसी भी कोई भी जो है मीन्स यूज़र आईडी आपके एक बार लगा दिया आपने और उसके बाद दोबारा आप जो यूज़र आईडी लगाना चाहती हैं तो उसके बाद जैसे ही सिस्टम में ये आ जाएगा तो लिखा आएगा कि फेक वोटर इज एंटर्ड इन द सिस्टम। उसके बाद मैम जैसे यही लिखा है फेक वोटर इज एंटर्ड इन द सिस्टम, उसके बाद जैसे ही रिटर्निंग ऑफिसर के कंट्रोल में कुछ भी नहीं होगा मैम सिर्फ वो इलेक्शन जो है स्टार्ट करवा सकता है। उसके बाद जैसे ही मैम यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के ऊपर फॉर एग्जाम्पल की तरह ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम में कुछ भी हो सकता है, अक्सर लोग जो है चीटिंग का केस लगाते हैं, तो जैसे ही इलेक्शन कमीशन पे ऊपर अगर कोई भी केस हो जाता है तो हमारे यहाँ बैकग्राउंड में फाइलिंग सिस्टम भी है कि हमने किस पार्टी को जो है वोट दिया है। फॉर एग्जाम्पल की तरह हम MQM को 0 वोट मिला है, PTI यूज़र आईडी है उसने PTI को वोट दे दिया है। जो भी पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन उसमें वाटर पॉल्यूशन होती है और हमारे जो है अरुणाचल मंदिर उनको नुकसान पहुँचाते हैं, जो कचरा जो भी होता है उनको, इसलिए हमने उसको साफ़ करने के लिए हमने ये रिवर्ट बनाई है। इसलिए ये हमने लगाया कन्वेयर बोर्ड बेल्ट जो क्या करता है कचरे को साफ उठा के ले आता है, कलेक्ट करता है कोई भी कंपार्टमेंट जगह कलेक्ट कर लेता है और ये हमने टायर बनाए जो उसको आगे धकेलते हैं आगे करने के लिए, जो कचरा उसके सामने जाते हैं उसको बनाएंगे। भी कर सकते थे मैनुअल सिस्टम भी कर सकते थे। Basically, it's an arts and craft project and it does not need any explanation. हम लोगों ने ये जो है विलेज की लैंडस्केप पर बनाया, विलेज के स्ट्रक्चर के ऊपर, ये जैसे उन लोगों के पुराने जमाने के जो लोग थे वो इतने मजबूत बकिया इतने मजबूत और घर बनाते थे कि वो लोग कार के पिन से हम लोगों ने बनाया इसका घर का। और ये घर हम लोगों ने इतना मजबूत बनाया कि जैसे विलेज के होते थे, ये हम लोगों ने बैलगाड़ी बनाई है जो विलेज वाले पहले यूज करते थे पुराने जमाने में, उनसे जो वो सामान वामान होता था वो इसी में लोड करते थे, इसीलिए हम लोगों ने इसका लोड भी बनाया। और ये इनका जैसे खेत का एरिया जंगल वगैरह होता है, इसका एरिया होता है, बाकी वो उनका हम लोगों ने बैठक टाइम बनाया था और जैसे लॉन वगैरह होता है बैठक टाइम होता है जहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह और मैं 12th आगा खान से हूँ पब्लिक स्कूल हैदराबाद से। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया रिबन ट्यूब, इसका नाम है, आपने अपने 11th क्लास में पढ़ा होगा रिबन ट्यूब के बारे में, पर मैं आपको एक शॉर्टली बता देता हूँ कि रिबन ट्यूब क्या होता है। वेल, रिबन ट्यूब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है लॉन्ग मेटल का है जिसकी वजह से हम अपना डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं साउंड वेव्स की, ठीक है। एक एंड सील है, एक एंड इधर कनेक्टेड है स्पीकर के साथ, जो है शॉर्टली बता देता हूँ कि स्पीकर से अगर हम हायर विल बी द लाउडनेस, द हायर विल बी द फ्लेवर,
फ्लेम यूनिक पैटर्न बनेंगे उसके और फ्लेम ऊपर आएगी, ठीक है, हाई होगी। फिर जितना लाउड का लाउडनेस कम होगी उतने फ्लेम धीमे होंगे। अभी देखें बिल्कुल स्टेबल है, ये इसलिए इधर उधर हो रहा है क्योंकि हवा का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा ही है आज के दिन। अगर अगर हम जैसा कि आपने देखा कि हमने ये डेमोंस्ट्रेशन करवाया है, नोशिन ब्लॉग नाम क्या है, नोशिन ब्लॉग लाइव मिस ये। अभी हमने इसको डेमोंस्ट्रेशन कराया, हमने अपनी साउंड वेव्स की डेमोंस्ट्रेशन देखी। वैसे तो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते साउंड वेव्स की डेमोंस्ट्रेशन, लेकिन हमने रूबिन ट्यूब का यूज करके इसकी साउंड वेव्स की डेमोंस्ट्रेशन की है कि एंटी नोड्स कैसे बनते हैं, नोड्स कैसे बनते हैं, कंप्रेशन कैसे होते हैं, रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं, रेजोनेंस कैसे पैदा होती है, बीट्स कैसे जनरेट होते हैं, फ्रीक्वेंसी का क्या प्रोपोर्शनलिटी है, वेवलेंथ का प्रोपोर्शनलिटी है। तो हमने सारी चीज़ें इसके अंदर कंबाइन कर दी है ताकि हम अपने बच्चों को फैसिलिटेट और एजुकेट कर सकें विद इन द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास एज वेल। ये जो गेम है हम आपको एज बताएंगे, ये 6 कार्ड है, इन 6 कार्ड में हम आपको एज बताएंगे, इस 6 कार्ड में आपको देखना है, जिस जिस कार्ड में आपकी एज होगी तो हम आपको बताएंगे, और वो एज हम आप हमको नहीं बताएंगे, हम आपको बताएंगे वो एज क्या है, आपकी एज क्या है, बिना आपकी एज हमको बताएं हम आपको बताएंगे, ठीक है। नहीं सभी नहीं, इसमें इसमें जी इसमें नहीं, देखो नहीं इसमें नहीं, इसमें नहीं है, इसमें तारीख बताया, बी बताया, तारीख बताया, इजीली कैलकुलेट दी बुक खबर आ खबर आ करे दिखाए तो करे दिखाए जड़ो चाहिए गुड। ये क्या है, ये ऐसा है मैम, इसमें आपको ये तीन है, इनकी समीक ये समय की आठ आ रही है, यहाँ पे आठ है, यहाँ पे आठ है, यहाँ पे आठ है, यहाँ पे हर जगह बाद में आठ है। ये प्रोबेबिलिटी पे प्रोजेक्ट बनाया है, ये मैथ का टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी चांस साइंस ऑफ चांस, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी के अंदर हम चांस कैलकुलेट करते हैं किसी भी इवेंट। आप ये देख सकते हैं ये हमारा इवेंट है, इसके अंदर ये 6 आउटकम्स है, हर आउटकम की अप्रोक्सीमेट 17% चांस होता है कि वो आएगा। फॉर एग्जांपल हम 1 की चांस कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट इसकी 17% आएगी। चलिए इसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, बर्थडे बता रहे हैं वो कि कौन सा दिन पैदा हुए हैं, हम सिर्फ ये बीच में आके रुका है, ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। चले आगे आगे। अरे हैं मैंने तो 5 किया था, 5 है, देखते हैं। अभी 3 किया था। अरे बिल्कुल चांस है, सही, चल गुड। सोलर स्टडी ऑल टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, दिस प्रोजेक्ट लाइक सोलर फाइन बायोमास और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी मे बी इंपोर्ट अलोंग विद पोर्टेबल एनर्जी डिपेंडिंग ऑन द नीड एंड रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी इन द थैंक यू। Can you explain? Yes,
But also non-living components such as oil, water, landforms, and oil. These components together make an ecosystem. Well, car. ये हाइब्रिड कार बनाई है इसमें ना पेट्रोल यूज़ होगा ना इंजन सिर्फ इलेक्ट्रिक कार से चलती है गुड ये हमने सैंपल बनाया अपडेट मॉडल आया तो 2025 में रिलीज होगी अच्छा यानी इन फ्यूचर आपने बनाया तो किस तरह बनाया इसकी मैन्युफैक्चरिंग दो मोटर इस्तेमाल किया यू मीन इट्स फंक्शनल सो वर्क कैसे करते हो दिखाई गुड सोलर सिस्टम In solar system, we are representing our planets and our sun. Basically, we are working on the centripetal force. We are showing the centripetal force how it holds our planets together. ठीक है अब हम ये भी बोल सकते हैं कि planets इधर उधर कहीं नहीं जा रहे हैं हमारी universe इतनी बड़ी है वो कहीं पर भी move कर सकते हैं बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है वो एक जगह पे अपने एरिया पे होल्ड है क्योंकि इनके अंदर सेंट्रिपेटल फोर्स जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं क्योंकि होल्ड कर रही है इसको किसके अराउंड सन के आस पास रखते हैं इसके बाद हम अगर अर्थ की बात करें तो हमें पता है हमारी अर्थ जो वो स्पिन भी हो रही है और रोटेट भी हो रही है लेकिन इसमें वो क्लॉक वाइज हम कहते हैं कि सब होल्ड ऑन रहते हैं अभी हम अर्थ पर चल रहे हैं हम किस तरीके से होल्ड ऑन में जबकि हमें पता है सारा यूनिवर्स में वहाँ कोई ग्रेविटी नहीं है हमारी अर्थ रोटेट कर रही है चल रही है तो हम गिन नहीं सकते लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा क्योंकि हमारे पास ग्रेविटी पॉजिटिव है और इसको बैलेंस में हमारे पास हीट हो गए माउंटेन हो गए जो कि हमारी हेल्प करते हैं हमारे एनवायरमेंट Okay, beta. Can you explain your project? You are from which school? Okay. Explain. कूलिंग तो नहीं आ रही ठीक है प्रोजेक्ट वालेकुम अस्सलाम My project name is Humana Structure. Humana is specialized and capable of receiving features like our brain well together. I used to process the information. We see transformation fit into the physical electrical signals. Travel from the retina through optic. Then print and display. Please give me a Can you explain your project? You are from Balikasma. Can you explain your project? You are from which school? I am from a smart college. My name is Habab. Okay. And from which grade? I am 12th. Okay. Start. जैसे हम लोगों ने ऐसे ड्रेन को बनाया और हमने सोच लिया कि किस तरह से हमारे जो एयर के पॉल्यूटेंट्स हैं वो ऐसे ड्रेन में शामिल हो गए ऐसे हमने यहाँ पे शो किया कि जैसे फैक्ट्री में से हमारी धुआं निकल रहा है और यहाँ पे गाड़ियों का भी धुआं है नाइट्रिक ऑक्साइड और फिर हमारे जब बारिश होती है सीजन की फर्स्ट बारिश जब होती है तो वो तमाम जो ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं कंपोनेंट्स हैं वो तमाम मिल जाते हैं ड्रेन और फिर वो एसिडिक हो जाते हैं फिर जब ये हमारे सॉइल पे गिरती है ये मतलब हमारे सॉइल पे गिरती है तो हमारा जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाता है जिसकी वजह से इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होती गुड
कि हम लोगों ने इसको बनाया है और यहाँ पे हम लोगों ने शो किया था कि ये इसमें से फैक्ट्री से धुआं निकलता है। स्टार्ट करें, आपने करना मैम। इसमें कन्वर्जन ऐसे हुई है कि रेक्टिफायर लगाया हमने, रेक्टिफायर जो है वो डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसके नीचे हमने ट्रांसफार्मर लगाए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारे सारे एरियाज में भी लगे हुए हैं। वो करंट को स्टेप डाउन करके यानी डिक्रीज करके भेजते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट करंट हमारे इधर आएगा तो ज़्यादा वोल्टेजेस हो जाएंगे। तो ये दूसरा हमने जो दिखाया है वो है जनरेटर की वर्किंग। जो जनरेटर है वो डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी देखें, मैं इसको हाथ से कर रही हूँ तो ये इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट है। तो ये जनरेटर की वर्किंग। जब फर्स्ट सीजन की रेन होती है तो उसका एक ब्रांड फ्रॉम द स्मार्ट कॉलेज सिकंदराबाद कैंपस, दीस आर माय फेलोज। सो बेसिकली हम मेडिकल के स्टूडेंट होने के नाते हमें पता होना चाहिए डायलिसिस क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्या है। तो डायलिसिस का मतलब होता है फिल्ट्रेशन। हीमोडायलिसिस मीन्स ब्लड फिल्ट्रेशन। जो हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस में से पास होना छोड़ देते तो हमें इसकी नीड होती है। तो हमारा ब्लड फिल्टर करते हुए जो होता है वो हमारे हाथ में आता है। ये हमारा यूज ब्लड है और ये हमारा फ्रेश ब्लड है। तीन प्रेशर्स की नीड होती है जो कि हमारे आर्टरी को कंट्रोल करता है, वेन्स को, और जो हमारे डायलिसिस के प्रेशर को रिलीज करता है। अगर हमारा प्रेशर हाई तो लो किसका दोस्त है, हाई भी कर सकते हैं। गुड। तो हम लोगों ने उधर से फॉसिल्स का जो है वो निकाला हमसे, और हम लोगों ने पुराने उसमें से डायनासोर्स और टेरासोर्स को होने वाले होते हैं, दोनों को मिलाकर एक नई स्पीशीज बनाई है। हमारे पास टाइम नहीं है और दो लिविंग मॉडल्स पड़े नहीं हमसे, और कुछ लोगों का ध्यान दिलाना है कि जिस तरह 150 मिलियन ईयर्स पहले जो था जो ये एक्सटिंक्ट हो गए थे मीटियोर की वजह से, तो हम लोगों ने इस पर ध्यान दिलाया कि हमारा आजकल का जो सारा माहौल है तो आपने ये क्या बनाया, किस चीज़ का कॉम्बिनेशन? ये पेपर से बनाया, कार्डबोर्ड से बनाया और शर्टिंग की जो वायर होती है, और हमने इसमें ग्लू भी यूज़ नहीं किया, हमने इससे मतलब लई से बनाया है। बहुत चीप मतलब स्क्रैच से बना, चिकनी मिट्टी। अच्छा, थर्मोकोल भी लगाया? नहीं, थर्मोकोल लाइक अ ड्रैगन दोनों की स्पीशीज है, फुल यहाँ तक इसकी टेंस आ रही है। आग लग गई हमारे पास, सेंसर है हमारे पास और एक टेम्परेचर बताता है, आग लगेगी टेम्परेचर बताएगा, टेम्परेचर से अप होगा ना वहाँ से तो पता ले जाएगा सेंसर को ना, बजर बजेगा और बजर ऑन कर देगा पंप को, पंप पानी उठा के आग पे फेंक देगा, जो आग की ऊपर बनाई है सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, ये जो फायर ठीक। मिस अभी ये जैसे आप कोरोना आया था आपको भी पता है कि कॉन्टैक्ट के साथ जंप फैलते हैं, तो ये कॉन्टैक्टलेस है आप, तो ये कॉन्टैक्टलेस है इसमें आप हाथ प्लेस करें बगैर जंप्स के, कॉन्टैक्ट के बगैर आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, और विच मटेरियल यू यूज टू मेक दिस? ये एक इसमें से ना लाइट बीम को ऐसे थ्रो करता है और फिर जब वो डिफ्रैक्ट होकर आती है ना तो फिर यहाँ पे ये रिसीवर होता है, फिर वो सर्किट को ना कंटिन्यू करता है। गुड। I'm going to do it.
के बारे में अस्सलाम वालेकुम, आई एम हसन, आई एम फ्रॉम ग्रेड 8 बी आर फ्रॉम सेफी हायर सेकेंडरी स्कूल। फर्स्ट प्रोजेक्ट है फिश मॉडल और सेकेंड है मैग्नेटिज्म के जरिए से इलेक्ट्रिसिटी लाइट प्रोड्यूस करना। फर्स्ट है किलर स्विच मॉडल। किलर स्विच इज अ स्विच विच कैन स्विच ऑन ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय द साउंड ऑफ किलर और एनी टाइप ऑफ साउंड। क्लैप के जरिए से ऑन ऑफ और क्लैप के जरिए से इस्तेमाल हुआ है। मेन जो कंपोनेंट है वो है इलेक्ट्रिकल कंडेंसर माइक। वो इलेक्ट्रिक कंडेंसर माइक वो साउंड को पिकअप करता है और उसके जरिए से लाइट प्रोड्यूस होती है। ये बिलो के जरिए भी, फूक के जरिए से भी चल सकता है और कुछ जोर से बोलेंगे उसके जरिए भी चल जाता है। इसका जो फ़ायदा है ये है, सिंपल सर्किट है, एनर्जी कम इस्तेमाल होती है, एनर्जी इसमें कम इस्तेमाल होती है और ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाता है। ये माइक है, ये रिले है, 9 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल हुई है। कुछ अब इसके नुकसान तो ये होगा, फ्यूचर में भी काम आएगा और ये और भी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है जैसे कि लाइट बल्ब ऐसी, लेकिन उसके लिए ज़्यादा बड़ी बैटरी चाहिए होगी क्योंकि वो बड़ी चीज़ है। डीसी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, डीसी फैन से प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिज्म में ये डायरेक्ट मैग्नेटिज्म से लाइट बिलो नहीं होगी, उसमें कॉपर वायरिंग हुई हुई है। कॉपर वायरिंग में होते हैं फिर इलेक्ट्रॉन, उसके जरिए से लाइट प्रोड्यूस होती है। डायरेक्ट मैग्नेट से जलाएंगे तो नहीं होगा, कॉपर वायरिंग तो करेंगे तो ये लाइट प्रोड्यूस होगी। गुड चलो दो रुपए। कैन यू एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट? गुड मॉर्निंग, माय डेट इज वी आर फ्रॉम बिगिनिंग एजुकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ हैदराबाद एंड स्टूडेंट्स एंड स्कूल्स ऑफ क्लास। प्रोजेक्ट इज रिफ्लेक्स सेक्शन। सो व्हाट इज रिफ्लेक्स सेक्शन? रिफ्लेक्स सेक्शन इज एन एक्शन इन व्हिच वी पुल आवर हैंड विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। इट इज एन ऑटोमेटिक एंड रैपिड एक्शन। नाउ हाउ इट इज वर्क? व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट द रिसेप्टर इन स्किन इज स्टिमुलेटेड एंड द सेंसरी न्यूरॉन कैरी द इंपल्सेस टू द ब्रेन देन ऑर्डर टू स्पाइनल कॉर्ड हियर प्रेजेंट इंटर न्यूरॉन कैरी नर्व इंपल्सेस फ्रॉम सेंसरी टू द मोटर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन कैरी इंपल्सेस टू द अफेक्टर व्हिच इज अवर हैंड और एनी अदर पार्ट ऑफ अवर बॉडी। हेयर मसल्स व्हिच कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल अवर हैंड इमीडिएटली। थैंक यू। कौन कौन है? और आ रही है भाई और जो कर रही है।
काम से ब्लॉग बना रही है क्या? Can you explain this model? यानी ओशन में क्या क्या रहता है, कितनी उसकी चीज़ें हैं, कितनी लैंड से। यहाँ पे हमारे पास पहली ईयर आती है एपिपेलेजिक जोन। एपिपेलेजिक में हमारे पास आती है कुछ फिश जो कि हमारे पास है हेरिंग्स। इसका नेम ही हेरिंग एंड दिस इट इज द हेड ऑफ द फिश, तभी हम हेरिंग कहते हैं। फिर हमारे पास सेकंड ईयर जिसको हम कहते हैं मीजो पेलेजिक जोन। इन सबके साथ है वर्ड पेलेजिक, पेलेजिक इन सबके साथ। इसका मतलब होता है पेलेजिक का ओपन वाटर। ये सबके साथ फिशेज रहती है ओपन वाटर में। कोई भी तो रहेगी ना कोस्टल एरियाज में, साहली इलाकों में, तो मर जाएगी अगर इन कोई रहेगी तो। हमारे पास ये बिल्कुल फाइव ईयर्स, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट ईयर में है हेरिंग, सेकेंड ईयर में है लैंटन फिश, ब्रिसल फिश एंड ड्रैगन फिश। थर्ड ईयर हमारे पास एंगलर फिश है, गलमर ईल। ये होती है बहुत पॉइजनस जहरीली। और हमारे पास ये फैंग टूथ, सिर्फ इंसान इन दो लेयर्स में सर्वाइव कर सकते हैं। थर्ड लेयर में, फोर्थ और फिफ्थ में बहुत ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर हाई होता है, एक्सट्रीम लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा है। फोर्थ लेयर के अंदर बहुत रोशनी बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। और फिफ्थ लेयर के अंदर तो बिल्कुल इंसान होती है तो होती है ब्लाइंड होती है, लेकिन हम बिल्कुल वहाँ पर अंधेरा होता है। फाइव लेयर के बाद एक ऐसा एरिया है जिसको हम कहते हैं अनडिस्कवर्ड एरिया। इन पाँचों लेयर के बाद ओशियन में एक ऐसा एरिया है लेकिन वो कभी आज तक डिस्कवर ही नहीं हो पाया। हमारा ओशन बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। हमने उसकी मेन मैंने पिछले बार हमें डिफाइन किया है और यही कुछ ऐसे में रहती हैं। हमने एम्प्लॉयड फिश को नहीं लिखा यहाँ पे बिकॉज बहुत सारी रहती हैं। हमने उनके मेन मेन हेड को डिफाइन किया है, उनके हेड्स हैं ये इन सबके फिश के हेड हैं ये, मतलब हमने डिफाइन किया है। ये मतलब और भी चीज़ों के साथ रहती है इस तरह से। और हमने डिफाइन की डाइवर्सिटी, इसका मतलब होता है वेरिएशन, वेराइटी। अरे तुम ना घूम भी नहीं यार। Beneficial. Respected judges and my dear all listeners, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. This is me, Mumal Mustafa, from grade 4, this time school. Today, I want to talk to you about being a responsible citizen in our community. It's not as hard as it may sound, and it can make a big difference. So let's dive into some simple ways we all can be a better citizen. A good citizen is a person who understands his duty towards the nation. We all can be a better citizen if we follow all the rules and regulations. हम उसको गुजारिश करूंगा फिर वो बाद में आके उसमें जो है ना वो बनाते हैं। तो ऐसा हमें चाहिए ताकि हम भी वहाँ घर पे पालें और सेहत हमें नहीं मिले उनके जंगलात में जाए। और
बहुत गलत किया लेकिन अपना जो सारे वक्त है वो बाहर खेलने में लगाए, लेकिन ज्यादातर टाइम बेहतर बनाने में, क्योंकि हर आने वाला साल जो है ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि एक कॉम्पिटिशन बल्कि आप देख रहे होंगे मौजूद है। मैं हमने जो ये हमारे यंगस्टर्स हैं आपसे जो है बहुत उम्मीदें वाबस्ता है कि आप लोग इस स्कूल का नाम आगे जाके बेहतर से बेहतर बनाएंगे। उसके लिए आज से अगर आप अपने काम स्टार्ट करेंगे अपने आप को डेवलप करेंगे, रोजगार भी कमा सकते हैं, दूसरा अपने खुद को जो हमारे नौजवान नस्ल है बहुत बहुत फास्ट और एक बहुत तेज कहें आप इंटेलिजेंट है, अगर हम उनको अच्छी डायरेक्शन दे देंगे तो हम दूसरे मुल्कों की जैसे एग्जांपल देते हैं इंशाल्लाह, वो हम मिसालें दूसरे लोग देंगे कि पाकिस्तान ने लेकिन कहाँ कहाँ जो है वो अपना नाम बना लिया। तो इसी दुआ के साथ इंशाल्लाह हम सबको अपने जुबान में रखें और तालीम की शमा हम हमेशा रोशन रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बचाव भाई, बहुत पुरजोर तालियों की गुजारिश करूँगा हमारे आज की तकरीब के मेहमान हमारे साथ शुरू से मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स आपके बुजुर्ग तालियों में सैयद नवेश शाह साहब।